ऑन टाइप्स ऑफ एनिमेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एनिमेशन क्या होता है उसके 12 सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन। इनको हमने ऑलरेडी एक चार्ट मैंने बना के रखा है यहाँ पे, इनको 5 पार्ट में कैटेगराइज किया है, फिर इनको सब कैटेगराइज किया है। तो बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि एक 2D एनिमेशन को अलग दिखा दिया, 3D एनिमेशन को अलग दिखा दिया, बट बेसिकली ये कंप्यूटर एनिमेशन के दो अलग अलग पार्ट होते हैं। 2D एनिमेशन भी कंप्यूटर से किया जाता है, 3D एनिमेशन भी कंप्यूटर से किया जाता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वन, ट्रेडिशनल और सेल एनिमेशन। ट्रेडिशनल एनिमेशन या फिर सेल एनिमेशन क्या होता है, ये हैंडमेड एनिमेशन होता है, और ट्रेडिशनल एनिमेशन का ही दूसरा नाम सेल एनिमेशन है। लेकिन इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस एक ये होता है कि जो आपका ट्रेडिशनल एनिमेशन है, दोनों हैंडमेड ही होते हैं। ट्रेडिशनल में क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट पेजेस पे हमने इमेज ड्रॉ किया, और उन ड्रॉ किए हुए इमेज को एक लाइट इफेक्टिंग टेबल होती है हमारे पास, या जैसे आपने अभी फ़िलहाल प्रोजेक्टर देखे हैं, तो उनके सामने हम वो पिक्चर्स इमेजेस मूव कराते हैं वन बाय वन वन बाय वन, और सब पे डिफरेंट डिफरेंट इमेज होगी। तो इस तरीके से वो एक एनिमेशन क्रिएट किया जाता है, और उसमें 12 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब 12 पेजेस पे ड्रॉ किए हुए ऑब्जेक्ट्स या एन ऑब्जेक्ट्स उनको मूव कराया जाता है उस लाइट टेबल के सामने से। तो वो हमारे 12 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड से उनको मूव कराते हैं, तो ये हमारा एनिमेशन क्रिएट होता है। जबकि सेल एनिमेशन में क्या होता है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो सेम रहता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे हम क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो सेम रहता है, और डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट रहती हैं एक दूसरे से। तो इसको फर्दर कैटेगराइज किया है फुल एनिमेशन, लिमिटेड एनिमेशन, रोटोस्कोपिक एनिमेशन और लाइव एक्शन एनिमेशन। नेक्स्ट इज स्टॉप मोशन एनिमेशन। स्टॉप मोशन एनिमेशन जैसे कि नाम से इस पता चल रहा है कि स्टॉप, फिर वो मोशन में आता है, फिर स्टॉप और फिर वो मोशन में आता है। तो इस तरीके से जो क्रिएट किया जाता है वो हमारा स्टॉप मोशन एनिमेशन कहलाता है। आज के टाइम में जो मूवीज़ में मूवीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सबसे इफ़ेक्टिव एनिमेशन है। लाइक एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि, और एक चीज़ और है कि जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को मूव करा के, या उस पे बेस जो भी हमारे एनिमेशन क्रिएट किए जाते हैं वो होते हैं हमारे स्टॉप मोशन एनिमेशन। लाइक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है कि इस पेन को 360 डिग्री एंगल पे मूव करा के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इमेजेस की ऐसे क्लिक किया, एक इमेज ऐसे क्लिक किया, एक इमेज यहाँ पे क्लिक किया, एक इमेज इस लोकेशन पे क्लिक किया, एक इस लोकेशन पे क्लिक किया। इसी तरीके से इसको 360 डिग्री पे मूव कराते कराते इमेजेस क्लिक की हमने, और फिर उसको 24 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड से उसको मूव करा, तो ये क्या दिखाई देगा हमें कि ये पेन 360 डिग्री मूव कर रहा है। तो ये है हमारा रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को यूज़ करके एनिमेशन क्रिएट करना। इसमें हमारे फर्दर कैटेगराइज किया पपेट एनिमेशन, कठपुतली और एनिमेशन, क्ले एनिमेशन जो मिट्टी से बनाए हुए जाते हैं एनिमेशन, कटआउट एनिमेशन लाइक ये किसी पेपर से या फिर कपड़े से बना सकते हैं इस कटआउट एनिमेशन को, मॉडल एनिमेशन और ऑब्जेक्ट एनिमेशन। ऑब्जेक्ट एनिमेशन की हमने बात की है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेके उनके थ्रू एनिमेशन क्रिएट करना है। पेन भी हमारा एक ऑब्जेक्ट ही है। फिर बात आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन के बाद हम किसी और एनिमेशन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हम कंप्यूटर बेस्ड एनिमेशन ही यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ यहाँ, इसमें कंप्यूटर पे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन पे ही सब काम करके, जैसे अभी तक हमने हाथ से बना रहे हैं या पिक्चर्स क्लिक करी है, तो हम कंप्यूटर पे ही अपने कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, इमेजिन करते हैं, मूव करा के देखते हैं, और फिर उनसे उनको एनिमेट कर देते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ 2D एनिमेशन और सेकेंड इज़ 3D एनिमेशन। जैसा कि थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2D एनिमेशन कहते हैं, इसको 3D एनिमेशन कहते हैं। और 2D एनिमेशन में क्या होता है कि इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट को शो किया जाता है, कैरेक्टर को दिखाया जाता है। और 3D एनिमेशन में हाइट, विड्थ और डेप्थ तीन एंगल से इसको दिखाया जाता है, तो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। और या सिंपल कह सकते हैं कि 2D ऑब्जेक्ट में X और Y दो एक्सेस ले जाते हैं, और 3D में X, Y और Z तीन एक्सेस लेकर इनको
पे काम किया जाता है, इनको वाइडली यूज़ किया जाता है गेमिंग या फिर मेडिकल फील्ड में या मूवीज़ के लिए और इंजीनियरिंग वर्क में, जबकि जो 2D एनिमेशन है हमारा वो एडवर्टीजमेंट और कार्टून्स के लिए यूज़ किया जाता था। अभी आज के टाइम में हम 3D एनिमेशन ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 3D एनिमेशन में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ मैकेनिकल एनिमेशन। मैकेनिकल एनिमेशन बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है, मशीनों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, रोबोटिक की वजह से एनिमेशन करते हैं। तो फर्स्ट इज एनिमेट्रॉनिक्स एनिमेशन। एनिमेट्रॉनिक्स एनिमेशन में क्या करते हैं कि जो रोबोटिक्स का काम है वो सब इसमें किया जाता है। ओके, लीनियर एनिमेशन में एक कॉन्स्टेंट इमेज फ्रेम का यूज़ करके एनिमेशन बनाया जाता है, जबकि ऑडियो एनिमेट्रॉनिक्स एनिमेशन या फिर और कह सकते हैं हम लोग ऑटोनोमेट्रिक्स, ऑटोनोमेट्रिक्स एनिमेशन। ओके, इसमें क्या होता है 3D एनिमेशन और ऑडियो को ऐड करके एनिमेशन क्रिएट किया जाता है। ऑडियो ऑटोनोमेट्रिक्स एंड ऑटोनोमेट्रिक्स रोबोटिक्स एनिमेशन का एक रूप है, जो जिसमें 3D एनिमेशन को भी यूज़ किया जाता है और इसमें ऑडियो को भी रिकॉर्ड करके कोई स्पीच हुआ आपका, सॉन्ग हुआ, उसको भी बनाया जाता है। तो नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ एनिमेशन, इसमें सब तरह के एनिमेशन आ गए हैं। फर्स्ट वन इज़ रियल टाइम एनिमेशन, की फ्रेम एनिमेशन। बेसिकली हमारे जितने भी सारे एनिमेशन हैं वो की फ्रेम पे ही बेस्ड होते हैं, इनके इसी पर बेस्ड हैं कि कितने की फ्रेम पर सेकंड हमें मूव कराने हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अच्छा लगे। ओके, तो कैरेक्टर एनिमेशन कि हमने जस्ट इमेजिन करना है कि एक कोई हमें हीरो शो करना है कि हाँ इस मूवी का ये हीरो है, तो उसका हमें कैरेक्टर किस तरीके से दिखाना है कि उसको वो खुद से अपने आप को डिस्क्राइब करे कि हाँ ये हीरो हो सकता है। तो कुछ ये होता है कैरेक्टर एनिमेशन। मोशन पाथ एनिमेशन में हम ऑलरेडी एक पाथ दे देते हैं, फिर उस पाथ के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट उसी पाथ पर मूव कराता है, तो ये क्या हमारा मोशन पाथ। हायरार्किकल एनिमेशन, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के हेड टू टो तक उसके सारे एंगल्स पे, बॉडी पोजीशन पे ध्यान दिया जाता है, जैसा कि मैं एक डायग्राम में आपको दिखा सकती हूँ, दैट इज़ हायरार्किकल एनिमेशन। यहाँ पे हेड टू टो सब चीज़ों को बहुत बारीकियों पे ध्यान दिया जाता है। और मोशन पाथ एनिमेशन में ये एक पाथ्स को डिक्लेयर कर दिया गया है जो हमारा प्लेन है, और ये सिर्फ इसी पाथ पे मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट इज शेप एनिमेशन। शेप एनिमेशन को मॉर्फिंग भी बोल सकते हैं कि एक शेप से दूसरी शेप में ये चेंज हो जाता है। फिर है प्रोसीजरल एनिमेशन, सिमुलेशन। सिमुलेशन की तो हमने हर वीडियो में शायद मैं बात करती हूँ, क्योंकि सिमुलेशन अगर लाइक हमारे पास बहुत ज़्यादा पायलट है, हमें उन्हें उड़ान भरना सिखाना है, तो हम डायरेक्टली उनको प्लेन पे नहीं भेज देते हैं। एक सिमुलेशन हमने तैयार किया हुआ है, या मेडिकल फील्ड में किसी भी डॉक्टर को प्रैक्टिस के टाइम पे डायरेक्टली हम सर्जरी रूम में नहीं भेजते, उनको एनिमेशन की हेल्प से, उनको सिमुलेशन की हेल्प से उनको सर्जरी करना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद वो चलते हैं। कैमरा एनिमेशन, कैमरा से रिकॉर्ड किया गया जो भी एनिमेशन होगा, कैमरा एनिमेशन। पिन स्क्रीन एनिमेशन, पिन स्क्रीन एनिमेशन में ये होता है कि एक पूरा स्क्वायर ब्लॉक होता है, फिर उसमें किसी भी इमेज को जो आपको शो करनी है उस इमेज को उसके अंदर प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो फिर बाहर एक पिन, वो सब पिन बाहर की साइड आ जाती हैं, वो होती है हमारी पिन स्क्रीन इमेज। सैंड इमेज, सैंड एनिमेशन रेत से जो भी बनाया गया हुआ एनिमेशन है, ये तो मुझे लगता है सभी ने देखा होगा सैंड एनिमेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप ऑफ एनिमेशन। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इन एनिमेशन को और थोड़ा एलाबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे, लाइक इनमें इंपॉर्टेंट है 2D और 3D एनिमेशन में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ एनिमेशन में आप अगर इतना कवर करके आते हैं, अपने कुछ आंसर शीट में इतना लिख के आते हैं, तो ये आपको मोर देन इनफ होगा आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2D और 3D एनिमेशन में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।